नया बनाने का और नया खाने का सबका ही मन करता है। तो यहाँ पे आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकदम नई रेसिपी जो कि काफ़ी हेल्दी भी है। तो यहाँ पे आज हमने बनाया है सूजी से एक नई रेसिपी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने ये मज़ेदार रेसिपी कैसे बनाई है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कटोरी सूजी, एक चम्मच नमक और आधी चम्मच चीनी, ये सब इसमें हम डाल देंगे। और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, इनको आपको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैं लूँगी मट्ठा, ये खट्टा मट्ठा है, आधी कटोरी लिया ऐसे मैंने। और थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हमारे को इसका गाढ़ा ही घोल रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। आज सूजी से मैं एक नए तरीके का स्नैक्स बना रही हूँ, ये देखिए। आपको इसको गाढ़ा ही छोड़ना है, इतना गाढ़ा आराम से, जैसे ज़्यादा पतला नहीं करना। और इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी ढक के। कम से कम आप इसको 20 मिनट रेस्ट पे तो रखिएगा, फिर तो इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक शिमला मिर्च, एक प्याज, दो टमाटर मीडियम साइज़ के लेने हैं, थोड़ा सा अदरक, दो कली लहसुन की और दो हरी मिर्च। अब इन्हें हमें करना क्या है, इनको हम धो के और शिमला मिर्च के और टमाटर के हमें बीज निकाल लेने हैं, और इनको हम बारीक काट के इनको चॉप करेंगे। आपको उनको बारीक ही चॉप करना है। यहाँ पर हमारी सब्जियाँ चॉप हो गई हैं, अब इनको हम एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर 20 मिनट भी हो चुके हैं, वो हम देख रहे हैं हमने जो सूजी का घोल करके रखा था वो कैसा हो रहा है। ये देखिए, जैसे हमने इसे रेस्ट पे छोड़ा था तो सूजी थोड़ी सी फूल के गाढ़ी हो गई है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, ज़्यादा नहीं मिलाना है, 1 से 2 चम्मच। फिर वैसे हम मिक्स करके देखेंगे। यहाँ पर मैंने पानी डाल के इसको मिला लिया है, आपको इतना ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसका आपको गाढ़ा ही पेस्ट रखना है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं आधा चम्मच इनो सॉल्ट, और इसे हम मिक्स करके ऐसे मिक्स कर लेंगे इसे चलाते हुए। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इतनी हमारी सूजी सेट हो रही है, इधर मैं डालूंगी 1 चम्मच भर के सॉस और आधे चम्मच नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी सूजी भी सेट हो चुकी है। आपको एक ऐसा मॉट ले लेना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई चॉकलेट का डिब्बा या कोई थाली कुछ भी ले सकते हैं। और इसको आपको ग्रीस कर लेना है, हमने इसको ग्रीस कर लिया था। यहाँ पर हमारी सूजी बिल्कुल सेट हो चुकी है, अब आपको इसमें ऐसे फैला लेना है सूजी को। आप इसको टैप करके थोड़ा सा इसको फैला लीजिएगा, ये सारे में पूरी तरह से फैल जानी चाहिए। यहाँ पर आपको इसमें एक मोटी लेयर डाल देनी है। अब जो ये हमने यहाँ पर मिश्रण तैयार करा है वेजिटेबल का, आप इसमें ऐसे फिल कर लीजिएगा, अच्छी तरह से लगा लेना, आपको ये पूरे में फैला लेना है। आप इसमें पनीर, चीज़ किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे फैला लीजिएगा आप। आपको ऐसे चम्मच से इसको सेट कर लेना है, हमने यहाँ पर सब्जी को सेट कर लिया चम्मच से। अब जो हमारा सूजी का मिश्रण था बाकी बचा हुआ, इसके ऊपर हम फैला लेंगे। आपको इसको फैला लेना है चम्मच से, ऐसे हम इसको डाल के इसमें फैला लेंगे। आपको ऐसे इसको फैला लेना चम्मच से, आप इसको सेट कर लीजिएगा ऊपर से। अब इसे हम भाप में पकाएंगे। यहाँ पर भिगोने में मैंने 2 गिलास पानी ले लिया था, उसे पकने रख दिया है, पानी पक चुका है। अब इसके ऊपर आपको कैसे छन्नी रखने नहीं है, और ये जो हमने तैयार किया है इसका मिश्रण, ऐसे इसके ऊपर इसको आपको मोड़ को रख देना है। अब इसे हम एक प्लेट से ढक देंगे। अब कम से कम हम इसे 15 से 17 मिनट के लिए इसको भाप में ही पकाएंगे, फिर बीच में एक बार हम इसको चेक करेंगे कि ये कैसा हुआ है। फ्लेम आपकी तेज रहनी चाहिए, आपको फ्लेम को कम नहीं करना है,
तो हम देखेंगे 15 मिनट बाद कि हमारा कैसे बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, इसे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए कितना बड़ा ये अच्छा फूल गया है। गैस को हम बंद कर देंगे, से आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक चुका है। जैसे ये हल्के हल्के से क्रैक आ गए, ये फूलने की पहचान है कि हमारा प्रॉपरली फूल चुका है ये। अब इसको हम उतार के ठंडा कर लेंगे, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जब इसमें से हम निकालेंगे। यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, जब ये ठंडा हो जाए, जब भी आप इसको निकालिएगा, अब आपको कुछ ऐसे प्लेटर या एक चकला ले लीजिएगा आप, उस पर ऐसे उल्टा करके इसको हल्का सा टैप करते हुए आप इसको निकालिएगा। ये देखिए आपको इसको आराम से ऐसे करके निकाल लेना है, क्योंकि ये लेयर्ड वाला है। देखिए एक नीचे की लेयर बनी है इसकी, एक ऊपर की, ऐसे ही। देखिए कितना प्यारा हमारा ये बेक हुआ है। ये देखिए अलग अलग इसकी लेयर निकली है, एक नीचे की एक ऊपर की, हमारे को ऐसा ही चाहिए था। आज हमने यहाँ पर बनाया है सूजी का वेजिटेबल स्टीम सैंडविच। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना स्पॉन्जी बना है, और कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है इस टाइम इसमें से। तो बहुत इजी तरीके से बन गया ये हमारा सैंडविच। अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। आप इसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसके 2 पीस ही कर रहे हैं। देखिए कितना आराम से कट गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा यहाँ पर सूजी का वेजिटेबल सैंडविच स्टीम करके हमने आज यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर इनको हम सर्व करेंगे। आप ऊपर से इस पर करी पत्ता डाल दीजिएगा काट के, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, देखने में अच्छा लगेगा। और बहुत अलग सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, और हेल्दी है ये रेसिपी, बहुत जल्दी बन जाएगी। आप भी बनाइएगा इस रेसिपी को, और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।